ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठंड के कारण गरीब बस्ती में 5 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई, जबकि बच्चे के मां को बचा लिया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत धोबी तालाब के पास रोरो नदी तट पर बसे गरीब बस्ती को जिला प्रशासन की ओर से उजाड़ दिया है, जिसके कारण बस्ती में रह रहे लोग खुले आसमान में रहने के लिए विवश है। बस्ती उजाड़ने के बाद खुले आसमान के नीचे रह रहे एक नवजात शिशु और माँ की तबीयत ठंड से बिगड़ गई। जच्चा और बच्चा को आशा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने मां को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। बस्ती के लोगों ने कहा कि 3 पुत्री के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ था। अपाहिज मां को सहारा के लिए आया, लेकिन प्रशासन के इस अभियान ने उसे भी छीन लिया। आज घर तोड़ने का कारण मेरा बच्चा का 4 रोज हो गया हो करके पैदा होके, आज बच्चा मेरा गुजर गया ठंडा गढ़ गया। दौड़ा दौड़ी हॉस्पिटल हम लोग लेके गए अरुण कुमार यहाँ। अरुण कुमार बोलता पैसा लाइए इतना लेंगे, तो हम लोग बोले यही बात कि भर्ती ले लीजिए, उसका बाद में हम लोग जो होगा हम लोग कहूँ तो इंतजाम करके देंगे, मगर बहू को बचाइए। बहू को बचाने के कारण में यहाँ बच्चा भी चल गया। बच्चा को कोशिश नहीं करने सका, बोला जब पुरकत का ले जा में ठंडा लग गया। झोपड़ी में बच्चा रात भर सोया। अरे इंसाफ है सरकार को। 3 लड़की है और एक लड़का हुआ कि विकलांग का सहारा बनता है। हम लेके अपाहिज का जो सहारा हुआ था, बच्चा मेरा ठंडा में रात भर सो के जान चल गया, बच्चा संभाल नहीं पाया। देख लीजिए छोटा छोटा 3 बेटी है उसका, वो अपाहिज का कौन सहारा है। कुमार के लेके गए, हम लोग बेटा कोई सहारा नहीं है, लट दिया तो छीन लिया। 9 वर्ष के उपलक्ष पर रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से वृद्ध गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से हाटघमरिया प्रखंड के बलांडिया, बाईबेड़ा, बच्चुमसाई, मुखिया टोला, पिंगवा टोली में ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सोसाइटी के सदस्यों ने वृद्ध गरीब और असहाय लोगों की सूची तैयार कर ली थी। सदस्यों ने मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कैशलेस कार्यक्रम को सफल बनाने की जानकारी दी। नववर्ष के आगमन पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। नववर्ष के उपलक्ष में भक्तों ने भगवान से समाज में शांति समृद्धि और नववर्ष की मंगलमय की कामना की। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाकर लोगों ने नववर्ष पर मुंह मीठा कराकर मधुर वचन बोलने की कामना भी की। नया साल का शुरुआत हुआ, हल्लो उल्लास के साथ पूजा पर्व मना के मंदिर आके अपना पूरा परिवार के साथ सुख शांति से और सब लेके। पश्चिमी सिंहभूम के लोगों ने नववर्ष 2017 का दिल खोलकर स्वागत किया। नए साल की खुशी का जमकर जश्न मनाया। पिकनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ लगी रही। कुजू नदी तट, लुपुंगुटू, रुमटा गार्डन, रामतीर्थ, हाकुयम सहित अन्य जगहों पर लोग पिकनिक मनाने पहुंचे। देखिए एक झलक।